तो दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं फोरगोन। ये एक गेम है जो फरवरी 2020 में रिलीज़ हुआ था। ये पिक्सल आर्ट पे बेस्ड है और 2D गेम है। आइए इसको प्ले करते हैं और देखते हैं ये कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये अभी इंट्रो चल रहा है गेम का, वो कुछ बैकग्राउंड बता रहा है कि कैसे क्या ये चीज़ हुई थी। तो ये हमें बता रहा है हमारे कैरेक्टर को कि हमारा कैरेक्टर जो आर्बिटर है। I remember when this forest was full of life. Now it's just twisted, like everything else. अब थोड़ा देखते हैं इसके पास क्या-क्या एबिलिटीज और हथियार हैं। तो इसके पास बेसिक में देखें तो स्वॉर्ड और एक गन मिलती है। स्लाइडिंग की एबिलिटी है इसके पास। सो फार सो गुड। ये केकड़े हैं छोटे छोटे, और इसके पास बहुत भयंकर वाली शॉटगन है। और ये जो बंदा है उसने इलेक्ट्रिक शॉक अपने हाथ में लगाया हुआ है। तो ये बहुत, आप देखोगे ऊपर लाइफ लाइन देखोगे रेड कलर की दिख रही है टॉप लेफ्ट में। जब ये हमें एक भी अटैक करता है तो हमारी लाइफ लाइन बहुत तेजी से डाउन होती है। देखो अभी ये जैसे करेगा, वैसे तो मर गया ये अटैक करने से पहले। इसकी गन देखो कितनी तगड़ी वाली है। तो हम जैसे जैसे प्ले करते जाएंगे धीरे धीरे वेपन्स अपग्रेड होते जाएंगे। ये केकड़े ज्यादा दुखी नहीं करते, बट इससे आगे आगे बड़े बड़े जो अटैकर्स आएंगे वो ज्यादा लाइफलाइन खा जाते हैं। वैसे ये गेम काफी इंटरेस्टिंग है। गेम प्ले बहुत स्मूथ है और स्टोरी इसकी बहुत अच्छी है। जब आप इसको गेम को खेलोगे तो ये गेम गेम का गेम प्ले इतना अच्छा है कि आप इन्वॉल्व होना चाहोगे। थोड़ा सा भी ये आपको बोर नहीं होने देता। No. ओह अब आ गया सुपर। Something stayed dead. ये मेरे ख्याल से सुपर वेलेन है। plans, अब हमें क्या मिलने वाला है? इधर हमें डैगर्स मिल रहे हैं जिसकी स्ट्रेंथ जो है 10 है। अब ये हमारी इन्वेंटरी है। इन्वेंटरी में हमारे पास अभी शॉर्ट सोर्ड है और एक डैगर है। और ये ऊपर आप टॉप मेन्यू में देखोगे तो ये प्लेयर का पूरा कितना FPS, कितना किल रेट, ये सब दिखाता है। लोकेशन दिखाता है, यानी हमारे पास टोटल मैप है, इन्वेंटरी है और स्टैटिस्टिक्स है प्लेयर के। तो हमें क्या करना है कि इस इन में से दोनों वेपन में से मार्क करना है कि किसको डिस्ट्रॉय करना है सैल्वेज के लिए। वो हम आगे कर सकते हैं, अभी हम प्ले करते हैं। तो अब हम कहाँ पे आए हैं? ये कुछ बिल्कुल ही नया जगह लग रही है। Never thought I'd be going back to the temple. क्या इधर कोई बड़ी फाइट होने वाली है? This place is old. ये कौन है? ओ भाई के, ये तो अलग ही लेवल के हैं। ये देखो चाकू चला, डैगर कैसे चलाते हैं घूम घूम के। ओ कूल।
अब ये कौन है? ये कोई स्पेशल एबिलिटी वाली विलेन है क्या जो हमें मारने वाली है? मुझे तो डर लग रहा है। इसमें हो सकता है कुछ जादुई शक्तियां हो। ये क्या हुआ? शायद इसका एविल जो है वो निकल रहा है, अब इवॉल्व हो रहा है। ये एविल ही है। अब क्या होने वाला है? क्या वो एक सपना था? Forget it. Focus on locating Project Hera. ये सीनिक व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से अब इधर से ये स्टार्टिंग हुई है फॉरगॉन की। This should come in handy. ये क्या चीज है जो हम कलेक्ट करने वाले हैं? वो ये कुछ ताकत है क्या? ये सर्ज हमने एक्वायर कर लिया है, ये डैश अटैक है। चलो इसको ट्राई करते हैं थोड़ा। ये इसे कंटिन्यू एलटी को से एग्जीक्यूट होगा ये एबिलिटी। ओ माय के, भाई हथियार चलाओ। मैं वो एबिलिटीज ही बटन ढूंढने में लग गया और मेरी लाइफ लाइन देखो कितनी हो गई। ये आउटपोस्ट है, इसमें हमें अपने जितने भी गियर हैं, मतलब सोर्ड हो गई या कुछ भी वो हो गया, हम उसको अपडेट कर सकते हैं। अब ये बंदा हमें बता रहा है कि इधर हम अगर भगवान की पूजा करेंगे या उनसे ग्रेट प्रे करेंगे तो हमारी जो एबिलिटीज है वो अपग्रेड होगी और वो हमें पावर प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे आप रूथलेस ब्लो में देख रहे हो, इधर हम इस एबिलिटी को 5% बढ़ा सकते हैं। अब मैं इधर बढ़ाने वाला हूँ एबिलिटी को, बट कौन सा बटन दबाना है? एक्स। ओके, ये हमारी एबिलिटी बढ़ चुकी है ब्लोज की, मतलब 5% ज्यादा और डैमेज करने वाले हैं। क्या गन की भी एबिलिटी बढ़ सकती है इधर? अभी तो नहीं। तो राइट में हमारे पास मेड किट है, बीच में जो है सोर्ड की है पावर, और लेफ्ट में देखोगे गन की है। ये टेलीपोर्ट की मशीन है कि आप किसी भी मैप में जो है दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हो, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास सीन, तो हम टेलीपोर्ट नहीं होने वाले। बट ये सब बहुत कूल लग रहा है, इंटरेस्टिंग है काफी। अभी तक तो गेम प्ले में बहुत मजा आ रहा है। ये कौन है? इंटरेक्ट, ये ब्लैक स्मिथ है। ये आपके जो जिस वेपन को आप साल्वेज करना चाहते हो उसके बदले आपको गोल्ड देता है, और ये आपके लिए नए नए वेपन बनाएगा। वेरी नाइस। ये बोल रहा है इसका मूड बहुत अच्छा है, अगर हम इससे कुछ करवाएंगे अभी तो ये कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकता है अभी। तो हम अभी अपग्रेड करने वाले हैं अपने वेपन को। देखो हमारा वेपन अपग्रेड हो चुका है, अब दूसरे वेपन की अगर आप पावर देखोगे 10 है, जो 5% और बढ़ चुका है, 50% और बढ़ चुका है। तो ये अब जितने भी डैमेजेस देने वाले हैं, चाहे वो डैगर हो चाहे सोर्ड हो, उनमें 50% का जो है डिफरेंस और बढ़ गया। अब मतलब अब वो और डैमेज करने वाले हैं। This fortress is totaled. Looks like Project Hera's been busy. Better track her down before she can do any more damage. अब आउटपोस्ट को देखते हैं ये क्या करता है।
इफेक्ट्स वाओ। अमेजिंग, ये पिक्सल आर्ट है बट इसका इफेक्ट देखो कि क्या मस्त है। बेसिकली ये निंटेंडो स्विच के लिए भी बना हुआ है और छोटे मोटे डिवाइसेस के लिए, तो इस वजह से ये थोड़ा वैसा रखा गया है। अब हम डैगर को जो है हम साल्वेज करने वाले हैं। क्योंकि हमें दो दो हथियारों की इधर जरूरत नहीं है। तो हमने है वो हथियार जो है डैगर वो सेल्वेज कर दिया है अभी। अब आगे बढ़ते हैं। कोई शॉटगन मिल जाए ना तगड़ी वाली, मजा आ जाए। ये आ गए केकड़े। अब ये हमें क्या मिल रहा है पिकअप करने को? मेरे ख्याल से ऑटो टारगेट वाली चीज मिली है, ये ऑटोमेटिकली टारगेट कर लेती है। तो ये जो बॉक्सेस हैं उससे हम कॉइन कलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक और बेकार जानवर है। ग्रीन कलर का जो स्मोक छोड़ता है ये बहुत ही जबरदस्त हेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। ये तो खड़े खड़े ही मारा जाएगा। इसकी गन बड़ी तगड़ी है बट हम इसको उठा नहीं सकते, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तक मैं फोकट की गन चला रहा हूँ जो कोई मतलब नहीं बनता। ये तो गया यार, मेरी डैशिंग एबिलिटी मैंने यूज कर ली, मुझे ऊपर यूज करनी थी। मतलब जब हमारी लाइफ चली जाती है ना, हमें कोई डिस्ट्रॉय कर देते तो हम जाके अपने आउटपोस्ट पे आ जाते हैं और फिर इधर से फिर से स्टार्ट होता है वो प्रॉब्लम। बट अभी हमारे पास अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा कुछ भी, फिर जाते हैं आगे। मैं सबकी चटनी बनाने वाला हूँ, बहुत हो गया। कुछ कुछ एबिलिटीज ना बचा के रखने चाहिए बड़े बड़े विलेंस के लिए। मैंने वो चीज़ पहले ही, डैशिंग एबिलिटी जो है क्योंकि एक मिलती है, फिर वो धीरे धीरे जैसे आप कॉइन सिलेक्ट करते हो, कॉइन कलेक्ट करते हो, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ये देखो केकड़े कैसे काट रहे हैं, ये चिंदी चोर केकड़े हैं। अभी तो छोटे छोटे आ रहे हैं, इसने तो मार दिया भाई।
हेल्थ देखो कितनी ले गया। इसको तो मैंने मौका ही नहीं दिया मारने का। ये है लॉन्ग बो, मतलब दूर के शिकार के लिए हम मार सकते हैं इसको, यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। ये क्या बात हुई? मैंने सोचा वो उसको गोली मारेगा तो उसको लगेगी। ये होता है डैशिंग एबिलिटी, मतलब आप एक बार यूज करोगे, दो तीन जितने भी आगे विलेंस होना या दुश्मन हो वो सब एक बार में जाएंगे। ओ मेरी लाइफ लाइन देखो कितनी बैंड बजी हुई है। अब ये क्या मिल रहा है मुझे? ये मेरे ख्याल से हेल्थ बूस्टर है क्या? ये रिस्टोरेशन एक्वायर कर लिया हमने, मतलब अब हमारे पास एबिलिटी आ गई है, हमारी लाइफ लाइन जो भी है जितना भी ख़त्म हुई है लाइफ उसको हम पूरा रिन्यू कर सकते हैं। चलो यूज़ करते हैं इसको अभी। जैसे ये पूरा देखो बैकग्राउंड रेड हो गया, अब मैं हील कर रहा हूँ अपने आप को। अब ऊपर वाली आप लाइफ लाइन देखोगे पूरी आ चुकी है। ये कमांडर्स लॉग है। मैं एक स्किल्ड कमांडर बन चुका हूँ क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ शायद। अब हमें जाना कहाँ है? नीचे जाना है क्या? हाँ इधर ही जाना है। भाई साहब ये बड़े बेकार लोग हैं। ये देखो इसने ग्रीन वाला जो स्मोक छोड़ता है ना, ये स्मोक हटता नहीं है, एक बार आप उसमें चले जाते हो और धीरे धीरे आपकी लाइफ लाइन जो है ना डैमेज करता रहता है। ये देखो कैसे छोड़ रहा है। तो देखो मैं जबरदस्ती जाके मैंने पंगे लिए। अब ऊपर देखो मेरी लाइफ कैसे खाया जा रहा है। ये हमें एक शॉर्ट सॉर्ड फिर से मिल गया, छोटी तलवार। अब थोड़े थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं। ये देखो ये बड़ा केकड़ा। सब मेरी पुंगी बजाने पे लगे हुए हैं। ये हैं वो वाले स्मोक वाले। भाई फोकट की गोलियां खर्ची हो रही हैं। अच्छा लॉन्ग बो की एबिलिटी जो होती है ना उसी कार्टेज के साथ मिलती है, मतलब आपके गन में जितनी भी गोली है ना फिलहाल के लिए वो पूरे कार्टेज में ही बस लॉन्ग बो की एबिलिटी वो होगी, एडेड होगी। उसके बाद अगर आप जितनी भी गोलियां चलाते हो ना उसमें जब तक वो एबिलिटी दोबारा आप नहीं लेते हो तब तक नहीं आएगी। अब ये क्या करेगा, हमें आउटपोस्ट पर पहुँचाएगा अपग्रेड करने के लिए, बट अभी हम मुझे अपग्रेड नहीं करना। ये हमें मिल गई लॉन्ग बो की एबिलिटी, नीचे पड़ी है बट ये मुझे जीने नहीं देना है। देखो उधर नीचे जा रहा है, ग्रीन स्मोक फेंके जा रहा है। अब देखो मेरी लाइफ लाइन देखो कितनी खा गया ये हरामखोर। ये देखो ऊपर गैंडा स्वामी। ये एबिलिटी भी बढ़िया है और ये हमें आर्मर मिल गया। देखो कितना शाना बंदा है। इसमें नए नए विलेन जो आते हैं ना बिल्कुल मजा आ जाता है। ये धीरे धीरे चलता है लेकिन बहुत हरामी आदमी है। देखो कितना आराम से चल रहा है। ये देखो ऐसे काटता है ये, बड़े बड़े दांतों का अच्छा यूज करता है।
ये क्या हो रहा है? ये क्रैब, ये पैदा कर रहा है क्या क्रैब? ओ भाई मुंह से निकल रहे हैं इसके क्रैब ही क्रैब। मैं कितनों को मारूंगा? इसने मेरी ले ली, इसकी पुंगी बजानी पड़ेगी जाके। ओहो ये इतना बड़ा है, ये डैशिंग एबिलिटी, ये होता है असली यूज एबिलिटीज का। ये देखो फिर इसने गंद मचा दी। अब मेरी लाइफ लाइन देखो ऊपर वाट लगी पड़ी है। पिचकारी की तरह फेंक रहा है ये, और ये नीचे वाला जो है पता नहीं क्या खींचता है और फिर रॉकेट छोड़ता है। सही सही बनाए हैं विलेन को बिल्कुल। अब मैं इसको मारूं कि मैं क्या करूं? स्मोक में फिर से आ गया। अब मैं हील कर रहा हूँ, ये हीलिंग एबिलिटी बड़ी मस्त है यार। नीचे कुछ गिरा है, ये मेरे पास कॉइन आ गए। ओ भाई ये कौन है? ये कीचड़ फेंक रहे हैं। अच्छा स्मोक के पूरे गोले फेंक रहे हैं। नए नए लेवल के लोग आ रहे हैं इधर तो बिल्कुल। ये लो, दो से तो एक साथ नहीं हो सकता ना, बच सकता। इसकी तो पुंगी बजा दी मैंने। ले बेटा ले मर, हेल्थ बहुत चली गई भाई मेरी, हील कर लिया मैंने। वेरी नाइस, ये हुई ना बात। ये क्या चीज ले रहा हूं मैं? अरे भाई वो मारेगा। ओहो ने ले ली मेरी, नीचे वाला ले रहा है मेरी। मुझे हील करना पड़ेगा अपने आप को पहले। कितना ही मिला? मेरी हेल्थ की बहुत लगी हुई है। ये क्या मिल रहे हैं? 1-1% हेल्थ भी नहीं बढ़ रहे, पूरा बैकग्राउंड रेड हुआ पड़ा है, यानी मेरी अच्छी से ली गई है। हमें जाना कहाँ पे है? अब शायद इसके ऊपर से चढ़ के इधर चढ़ना है। इनसे मैं कैसे पंगे लूंगा? ये हुई डैशिंग एबिलिटी। अब थोड़ा पहले से तो हेल्थ बढ़ा है, फिर आ जाएंगे ये लोग। अब थोड़ी चतुराई दिखानी पड़ेगी। आओ बेटा तुम इधर ही रहोगे ना, देखते हैं इधर से शॉर्ट काम करती है। हाँ आ जाओ, तुम भी आओ, चिपको इधर। बिना पंगा लिए मार रहा हूं मैं दोनों को। अभी इधर दरवाजा बंद है, मे भी कहीं ना कहीं स्विचेज होंगे। देखो सिक्योरिटी गार्ड होंगे। छोटे छोटे हेल्थ पैक्स मिल रहे हैं। ये तो जान लेने पे उतार हुआ है। ओए होए ले ली इसने जान। ऑटोमेटिक वेपन्स भी लगा रखे हैं इन्होंने। अब ये हमारा दरवाजा खुल गया, गेटवे ऑफ हेवन।
थोड़ी सी हेल्थ बची। भाई हेल्थ बढ़ा लो। यार ये क्या, यार ऐसे ऐसे हेल्थ मिलती है क्या इधर? अभी तो चालाकी से थोड़ा रुक के उठना पड़ेगा। आ जाओ, मैं तुम्हें पुंगी बजाऊंगा दोनों के पीछे से। डैशिंग एबिलिटी होती भाई तो मार देता, बट डैशिंग एबिलिटी आप देखोगे ना तो आपकी तभी बढ़ती है जब आप किलिंग करने पे लगते हो, मतलब आप जितने बंदों को किल करते जाओगे धीरे धीरे एबिलिटी अगर आपकी नहीं है तो बढ़ती जाएगी वो। विदाउट उसके अगर आप सोच रहे हो कि बिना उसके एबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो नहीं बढ़ेगी। अब ये देखो बंदा पंगा ही ले रहा है ज़बरदस्ती का, इसने मेरे को शॉक दे दिया इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो इस ले लिए, मैं मर गया।